उसके कागज के साथ में। जी हाँ गाइस, आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई 500 रुपए के नोट के साथ में काफी कमाल का मैजिक हमें दिखा दो। सो गाइस लेके आ चुका हूं आप सबके लिए कमाल का मैजिक वीडियो में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो अगर आई गई हो तो फटाफट से करना इस वीडियो को आप सबको लाइक कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलो फ्रेंड हम इस मैजिक की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस के आप देखते हो कि आपको जो है मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा जो कि बिल्कुल 500 रुपए की शेप की तरह है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके पीछे एक 500 रुपए का नोट होगा, लेकिन नहीं गाइस, यहां पे आपको पीछे से दिखाता हूं मैं, जो कि जो है दोनों तरफ से आप देखो बिल्कुल प्लेन पेपर है। अब इस प्लेन पेपर से जो है ना मैं आप सबको करके दिखाने वाला हूं, मैं ला के दिखाने वाला हूं मैं एक 500 रुपए का नोट। सबसे पहले करता हूँ इसको जो है हाफ में फोल्ड करता हूँ, अपने हाथ के पीछे रखता हूँ, आपको चीज नहीं है मेरे पास, हाथ के पीछे रखता हूँ, ठीक है। पीछे रखने के बाद अब आप लोग यहाँ पे मैजिक देखना किस तरीके से जो है आपके इस पेपर को नोट में बदल के आपको दिखाऊंगा। सो गाइस ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से जो है ये 500 रुपए के नोट के अंदर बदल चुका है। क्या आपको पता था आपके आखिरी मैजिक मैंने किया कैसे? एक साधारण सा नोट था उसको मैंने 500 रुपए में बदल दिया। ये देखो कुछ भी चीज मैंने यूज नहीं करी इसके बीच में, और आपको बताना है कि आखिरी मैजिक मैंने किया कैसे। अगर नहीं पता चला सबको तो फटाफट मैजिक वीडियो आपको सिखाता हूँ। सो बस सिंपल से आपको करना है इस मैजिक को कुछ इस तरीके से सीखना है। आपको जो है 500 रुपए का नोट लेना है और उसकी शेप में दो कागज को कट कर लेना है, एक ही वाला और एक ही, मैंने टेप की मदद से इसको आमने सामने चिपका रखा है। लेकिन जो 500 रुपए का नोट था वो इसके बीच में था कुछ इस तरीके से, मैंने अगर पहले आपको दिखा दिया और उसके बाद में इसको फोल्ड करके और फिर जो है यहाँ पे एक 500 रुपए का नोट कुछ इस तरीके से लेकर के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आ रही है। बाय गाइस।